हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे रीट 2022 का जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसकी बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो बता दिया था। उसके बाद मैंने भाषा जो आप हिंदी लेंगे इंग्लिश लेंगे उसका भी सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया था। तो साइकोलॉजी में और लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं उसमें सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो अभी तक आपका एग्ज़ाम में जो टॉपिक पूछे जा रहे थे वही आपके पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लेबल 2 के विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट जो है वो सामाजिक अध्ययन रहेगा, जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक बनना चाहते हैं। मैथ साइंस का जो है लेवल 2 का सिलेबस वो मैंने देख लिया है, पिछले साल जो था वही है, कुछ भी उसमें नया नहीं है। यहाँ पर कुछ चेंजमेंट है SST में, ठीक है, और वो क्या है तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके कुल जो है वो 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक के होंगे। तो सबसे पहले सामाजिक अध्ययन में देखिए, पहली यूनिट जो रहेगी भारतीय सभ्यता संस्कृति और समाज, तो जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए यूनिट है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, तो यहाँ आपको मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल ये पढ़ना होगा। इसके अलावा जो है वो आपको बृहत्तर भारत का ये जो टॉपिक है इसमें से आपके दो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक इतिहास और प्रशासन ये पूछा जाएगा, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, ठीक है, भारत 600 से 1000 ईस्वी तक, तो यहाँ जो भी शासन जिनका चला है तो वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस जो है यहाँ तक तो जो है पिछले साल का ही है, जो भी नए बच्चे हैं तो ध्यान से एक एक पॉइंट जो है वो देखें। उसके बाद तीसरी यूनिट है मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसमें भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक। तो देखिए, मैंने आप लोगों को जो RBSC की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज जो चलाई थी, ठीक है, तो आपके जो है वहाँ पर जो चैप्टर हैं आपके चैप्टर ही जो है सिलेबस के रूप में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने RBSC को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो ये सोचिए उनका तो सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है उसके हर पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हैं। RBSC और NCERT में से कौन सी पढ़ें, ये कन्फ्यूज़न जो आपके बना हुआ है इसको हम अगले वीडियो में है डिस्कस करेंगे कि आपको कितना फ़ायदा जो है वो RBSC से हुआ है, NCERT जो है वो आपको क्यों पढ़नी है और आपने क्या अभी तक पढ़ लिया है। देखिए, जो अभी मैंने बुक स्टार्ट की है हमारा राजस्थान की जो बुक आपकी चल रही है उसका कितना फ़ायदा आपको हर एग्ज़ाम में रहेगा ये तो आपको पता लगेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि जो बुक्स मैंने आपको पढ़ाई है जिसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो अभी चल रही है वो चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो नई जो अभी स्कूल में चल रही है वही ये बुक है। बच्चे बोलते हैं NCERT पढ़ें या RBSC पढ़ें, तो वो NCERT के साथ में ही चल रही है वो बुक, ठीक है, तो वो नई वाली बुक ही है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दें। फिर देखें भारतीय संविधान और लोकतंत्र, तो यहाँ पर आपकी पॉलिटी जो है उसकी दो यूनिट है, इंडियन पॉलिटी की जिसमें आपकी भारतीय संविधान के निर्माण और विशेषताएं, जो कि लास्ट ईयर आपके ये नया टॉपिक जुड़ा था, संविधान के निर्माण से संबंधित उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता, तो RBSC की बुक में ये हर टॉपिक जो है वो आपको मैंने करवाया है। सरकार गठन एवं कार्य, तो जिसमें आपके संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, न्याय व्यवस्था, फिर आपकी ज्योग्राफी जो है जिसमें सौर मंडल, ये आपका नया टॉपिक जुड़ा था, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। अब बच्चे बोलते हैं हमने RBSC पढ़ लिया, अब हम NCERT पढ़ें कितना टाइम लग जाएगा, बहुत लग जाएगा। हालांकि NCERT के क्वेश्चन आंसर जो है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, लेकिन अभी जो बुक चल रही है वो भी NCERT के साथ में जो आपकी इस बार स्कूलों में चल रही है वही है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए पृथ्वी की गतियां हैं, चाहे RBSC की बुक उठा लो, NCERT की बुक उठा लो, कंसेप्ट तो यही रहेगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि NCERT में जो है वो चेंज हो गया,
और वैसे भी आरबीएससी में आपको फैक्ट मिलते हैं बहुत सारे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और एनसीईआरटी में जो है वो आपके कंसेप्ट जो है केवल उससे संबंधित होता है, यानी वहां पर आप जो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तब जाके आपके जो है 9-10 क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। ठीक है, तो आपने आरबीएससी पढ़ ली है तो ये समझिए आपने एनसीईआरटी जो है वो पढ़ रखी है। वो तो जब आप बुक पढ़ेंगे, जब आपको पता चलेगा कि हमें ये सब कुछ आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसने आरबीएससी की बुक क्लियर कर ली वो समझिए एनसीईआरटी जो है उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ पर आपकी ये टॉपिक है पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल एवं संसाधन, भू आकृति प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मृदा, कृषि फसलें, उद्योग, खनिज परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। फिर राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसकी एक यूनिट है। अब देखिए हमने जो बुक पढ़ी है हमारा राजस्थान की, तो उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जलवायु, अपवाह प्रणाली, झीलें, मृदा जल संरक्षण संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की नहरें, नदी घाटी परियोजना, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन वन्य जीव, ये आपने सब कुछ पढ़ लिया है। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको कितना फायदा है उनको पता है, ये आपने पढ़ लिया है, ये आपके बिल्कुल क्लियर है, ये केवल आपको रिवाइज करना है। यही चीज जो है वो आपको मिलेगी थर्ड ग्रेड के एग्जाम में भी, ठीक है, रीट के मेंस में। राजस्थान का इतिहास, तो ये बुक भी मैंने आपको पढ़ा दी है, बस 10th जो बुक है आपकी वही चल रही है, प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद, राजस्थान के राजवंशों का इतिहास, ये आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी के साथ में जो चल रही है इस वक्त, तो समझिए इस चीज को, तो उसमें आपको मिलती है ये, जिसको मैं आरबीएससी की बुक कहती हूँ। तो राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजाति, किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, हूबहू उठाकर एक एक टॉपिक देख लेना बुक में, आपको एक एक टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी ही हाल में हमने राजस्थान का एकीकरण ये वाला टॉपिक जो है वो चैप्टर पढ़ा, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये आपका आएगा 10th क्लास में। फिर राजस्थान की कला एवं संस्कृति, तो जिसमें दुर्ग, महल, स्मारक, मेले, त्योहार, जो भी आर्ट एंड कल्चर है, जो भी आपके लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, हस्तकला, स्थापत्य कला, वेशभूषा, आभूषण, सब कुछ आ गया। राजस्थान का भाषा साहित्य, ये भी आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, ये जो 3 टॉपिक हैं 60 में से, आपके ये सोचिए कि 15 मार्क्स के तो आपके ये 3 टॉपिक ही आपके आते हैं, तो आपने तो ये 15 जो हैं जो मार्क्स जो हैं वो आपने ले लिए हैं, ऐसा समझिए। तो इसीलिए बुक्स जो है वो पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी बच्चे नहीं जानते हैं चैनल के साथ जुड़िए, जहाँ पर मैंने पूरी बुक जो है वो पढ़ा दी है राजस्थान की, जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब कुछ आ गया है। इसके अलावा जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी जो है वो हमसे कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, तो उनको जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं वो नोट्स जो हैं वो आपकी ग्रेजुएशन तक के हैं, यानी राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो भी है तो वो आपकी ग्रेजुएशन तक की बुक का मैंने जो है वो लिया है, ऑथेंटिक बुक से लिया है, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। तो उन बच्चों का रीड तो क्लियर होगा, थर्ड ग्रेड भी क्लियर हो जाएगा, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड का एग्जाम का जो जीके का फर्स्ट पेपर है वो आपका क्लियर होगा। और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी देखिए 40% मार्क्स तो आपको लाने जरूरी ही है, आपके वहां पर भी 2 पेपर होते हैं। यानी कि जो भी बच्चे जो है वो मेरे से पढ़ रहे हैं राजस्थान का जीके सेकंड सेकंड ग्रेड का, तो वो बच्चे ये रीट का एग्जाम, थर्ड ग्रेड का एग्जाम ये तो निकालेंगे ही, इसके साथ साथ सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का वो भी बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो करवाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर देखिए यहाँ पर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, तो यहाँ पर 12-13 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से पूछे जाएंगे इन 2 यूनिट में से। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। फिर देखिए प्रेक्षा और आनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रायोजना कार्य, सीखने के प्रतिफल और मूल्यांकन। तो ये 2 यूनिट जो है वो भी मैंने
जो है लास्ट ईयर आप लोगों को करवाई थी, और यहाँ से सभी बच्चों के जो है क्वेश्चन सही हुए। अब देखिए लास्ट ईयर जो भी बच्चों ने हमारे से जो है वो पढ़ाई की थी, चाहे वो यूट्यूब चैनल से की हो, चाहे कोर्स से की हो, पीडीएफ खरीद के की हो, तो उन बच्चों ने 60 में से 54-57 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, क्योंकि कुल मिलाकर 60 में से 58 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पीडीएफ से ही आए थे। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया था उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको बुक पढ़नी ही नहीं पड़ी थी, डायरेक्ट कई बच्चों ने तो केवल क्वेश्चन आंसर जो हम लोगों ने चलाई थी सीरीज वही कर ली थी। तो यहाँ पर भी देखिए मापदंड जो है वो 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर होगा। अब यहाँ देखते ही बच्चे क्या बोलेंगे कि अब तो जो एनसीईआरटी चल रही है हम तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आरबीएससी जो है वो अब हमारे काम की नहीं रही है। सबसे बड़ी गलती तो यही कर देते हैं बच्चे, पिछली जो भी चीजें पढ़ी हैं उनको रिवाइज करना बेहद जरूरी होता है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि जो बुक आप पढ़ रहे थे वो आपके कितनी काम की है। एनसीईआरटी जो आप नहीं पढ़ोगे, यानी यहां पर ये बोल दिया है कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने आरबीसी पढ़ ली है उनके लिए एनसीईआरटी जो है उसमें अब कुछ भी नहीं रहा है, ये समझिए आपने एनसीईआरटी पढ़ ली। और राजस्थान का जीके जो है वो आप पढ़ ही रहे हो, चाहे आपने पिछली जो आरबीएससी की पढ़ी हो या आपने अभी एनसीईआरटी की पढ़ ली हो, उसके साथ में जो मैंने राजस्थान जीके की बुक आपकी चलाई है 6 से 10 तक की, तो वो मैंने आपको करवा दी है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि आपके जो है नेक्स्ट जो सिलेबस आएगा तो उसमें क्या क्या ऐड होगा। ठीक है, तो राजस्थान जीके का ही समझिए आपके 15-16 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, तो 60 में से 15-16 मार्क्स जो है वो बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, एक एक मार्क्स जो है वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और जो एक एक नंबर के लिए फाइट करता है सिलेक्शन उसी का होता है। जो बच्चे सोचते हैं कि हमें जो है 90 नंबर लाने हैं, 92-93 जो है वो हम ले आएंगे, और ये सोचकर जो है वो तैयारी उसी तरीके से करते हैं, कई बच्चे जो है सिलेबस आधा ही करते हैं और कहते हैं इतने में से ही हमारा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आधा सिलेबस आप करके बैठते हो और आपके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन में ऑप्शन जो पूछे जाते हैं वहां आप गलती कर दोगे, तो आप लोग जो है 90 मार्क्स भी नहीं ला पाओगे, और उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें आप मात खा जाओगे, वो आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो आप उसके बाद आपको क्या करना होगा, पछताना पड़ेगा, तो पछताना नहीं है, तैयारी जो है वो अच्छे से करनी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपके एक तो राजस्थान के इतिहास जो है इसका एक यूनिट आपकी जुड़ गई है, ये नया चेंजमेंट आया। दूसरी जो बैंकिंग और बीमा प्रणाली का जो आपका यूनिट था लास्ट ईयर वो हटा दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बीमा बैंकिंग की एक यूनिट जो आपके यहाँ पर लास्ट ईयर यहाँ ऐड हुई थी वो हटा दी है, और उसके बदले राजस्थान का जीके जो है वो आपका और भी जुड़ गया है, यानी राजस्थान के जीके का जो है वो आपके एग्जाम में बहुत रोल रहता है। 15 मार्क्स लगभग जो है वो राजस्थान के जीके के यदि आपके आते हैं, और इसके अलावा 13-14 मार्क्स जो है वो आपके शिक्षण विधियों के आते हैं, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है वो 30 मार्क्स 60 में से जो है वो आपके इन्हीं से संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ही मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ कि भारतीय सभ्यता है, संस्कृति, समाज है, सिंधु घाटी सभ्यता है, चाहे आप आरबीएससी से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, यही रहने वाला है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। जो भी प्राचीन इतिहास है वो तो वही रहेगा, कोई भी बुक आप उठाकर देख लें। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ जो कि बिल्कुल सही होती है और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहती है, और आप जिससे तैयारी अच्छे से कर पाते हो। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अच्छे से जो है वो पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। इतनी जल्दी भागने की कोशिश मत करिए कि रीट का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई ना कर पाओ और आप तैयारी कर रहे हो सेकंड पेपर की, जो कि आपका थर्ड ग्रेड का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है, क्योंकि ये बेस है, इसके आगे जो है वो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा थर्ड ग्रेड के लिए, तो ये चीज़ आप समझिए। और जो बच्चे सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सेकेंड ग्रेड की ही करिए, सेकेंड ग्रेड की ही करिए, क्योंकि सेकेंड ग्रेड की जब आप पेपर 1 की तैयारी करते हैं जीके की, तो ये समझिए शिक्षण विधियों को छोड़कर, वहां पर भी शिक्षण विधियां आपकी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपकी शिक्षण विधियों का रोल रीट में ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो है जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझिए 90% जो है वो आपका रीट का जो है वो आप उसी में से आपका हो जाएगा।
ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है कि रीट का जब एग्जाम होगा तो 15-20 दिन पहले जो है वो आप सिलेबस को उठा के इन टॉपिक को जो है वो रिवाइज कर लें कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपके रीट के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये क्लियर है। और जो बच्चे लास्ट ईयर तैयारी कर चुके हैं उनको केवल रिवीजन करनी है। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप, सेकंड ग्रेड की करते रहिए, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड की करते रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका 23-24 जुलाई को होगा, तो 1 जुलाई से भी यदि आप स्टार्ट होते हैं यहाँ पर, जैसे कि सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर आपको जुलाई, 1 जुलाई आपका आ गया है, तो आप क्या करेंगे, जो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो जो ग्रामर है आपकी वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। लगभग 5, 6 या 7, 8 दिन में जो है वो आप ग्रामर को तैयार कर लेंगे। ठीक है, शिक्षण विधियों के लिए आप जो है वो 5-6 दिन का जो है टाइम निकालें। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप अच्छे से करिए और अपना जो शेड्यूल है वो बनाइए कि किस तरीके से जो है वो हम मैनेज करें कि हमारा जो है सभी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएं, फिर हम चूज़ करेंगे कि हमें कौन से जो जॉब है वो लेनी है, थर्ड ग्रेड का जो टीचर बनना है या हमें सेकंड ग्रेड का बनना है। देखिए, ऊंची सोचोगे तो आप छोटे छोटे एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर जाओगे। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये तो एग्ज़ाम आप क्लियर कर ही जाओगे। लेकिन मेन बात क्या होती है कि बुक्स कौन सी हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे मेन बात होती है। क्योंकि बुक्स ही आप अभी रीट के लिए अलग पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद थर्ड ग्रेड के लिए अलग पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें जो हैं वो आप स्टार्टिंग से वही पढ़ें जो आपकी आगे जाके भी वही काम आएगी। बार बार रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए, मैंने बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर कर दिया है, और बाकी कोई भी और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।